नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। भाइयों बहनों, आपका टीवी शो में स्वागत है। मैं मौजूद हूं अंबेडकर नगर की धरती रामनगर में। आपको बता दें, बिरहा के संगीतकार हमारे साथ मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता भी हैं और प्रदेश सचिव भी हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मिशन 2024 को लेकर विभिन्न संगीत के माध्यम से कई गानों को इन्होंने बनाया है। आइए सीधे चलते हैं निषाद जी के पास। निषाद जी, 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, अपने गीत के माध्यम से क्या आपने बनाया है? हमने गीत के माध्यम से बनाया है, 2024 में अखिलेश यादव की सरकार बनी है। किस तरीके से बनाएंगे अपने गीत के माध्यम से? कोई नया अंदाज आपने पैदा किया कि योगी सरकार जो देश में चल रही है, उस महंगाई, तमाम जो आरोप लग रहे हैं, सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में कौन से ऐसे गीत हैं जिसके माध्यम से आप पार्टी को मजबूत करेंगे? क्योंकि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप नेता हैं, निषाद पार्टी के हैं, तो ऐसे में क्या है? गीत के माध्यम से हम माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव के करनी कथनी को बताएंगे, जो विकास किए हैं, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा विधवा पेंशन, लैपटॉप वितरण। अखिलेश यादव ने 108-102 नंबर एम्बुलेंस महिलाओं के लिए और अस्पताल में 8 रुपया पर्ची थी, मुलायम सिंह यादव 1 रुपया पर्ची किए, और महिलाओं को मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण दिया, और उन्हीं के सुपुत्र 2024 में आएंगे। कैसे आएंगे? कौन सा गीत है? कोई गीत हमको सुना के बताएं। है जी, बिरहा के आप अच्छे गायक। हाँ जी, बताएं। यूपी में नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हवा में, यूपी में नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हवा में, लहरे अखिलेश जी का झंडा गगनावा में, लहरे अखिलेश जी का झंडा गगनावा में, जैसे कृष्ण हकले रहल पांडवन करातिया, वैसे अखिलेश जी गरीबवन का साथिया, वैसे अखिलेश जी गरीबवन के साथिया। इतना विकास होला सबके ससानावा में, इतना विकास सबके ससानावा में, लहरे आगे झंडा गगनावा में, लहरे अखिलेश जी का झंडा गगनावा में, ईसाई के लिए आबा जेकर निशानावा, गाँव गाँव में ऊ बटावे कन्या धनावा, गाँव गाँव में बटावे कन्या धनावा, लहन जनामया कुल खानदानावा में, लहरे अखिलेश जी का झंडा गगनावा में, लहरे अखिलेश जी का झंडा गगनावा में, 2024 का कर तैयारी, 2024 का कर तैयारी, अखिलेश यादव का है सबसे ललकारी, अखिलेश यादव अखिलेश यादव हरे गाव शिव शंकर, गाव शिव शंकर समाजवादी गानावा में, गाव शिव शंकर माजवादी गाना
नावा में लहरे अखिलेश जी के झंडा गगनावा में लहरे अखिलेश जी के झंडा गगनावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद राम सिंह यादव मर रहे राम सिंह यादव मर रहे डॉक्टर लोहिया मर रहे बाबा साहब मर रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के निषाद जी हैं। निषाद जी बड़े अच्छे गाने गाए पार्टी को मजबूत करने को लेकर। दोस्तों पांच राज्यों के जो हार हुए हैं पांच राज्यों में सपा के खाते नहीं खुले, कुछ जगहों पर सपा के खाते खुले हैं। ऐसे में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप ऐसे कौन से ऐसे गीत है जिसे तंज मारने का काम करेंगे? योगी सरकार की महंगाई, देश में मोदी सरकार के जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कैसा क्या गाना है? कोई गाना बना है, कोई नया गाना जिससे आप सपा की तरफ से जवाब दे सके? अरे नाही बसपा नाही भाजपा ना कोई कांग्रेस के नाही बसपा नाही भाजपा ना कोई कांग्रेस के अब की 24 में फिर जलता चाहत बार अखिलेश के जब से जोगी मोदी अइले देशवा के बर्बाद कैले काला धन वापस ना भइले सब ही के आश्वासन देहले काला धन वापस ना भइले सब ही के आश्वासन देहले कोई सुरक्षित ना बास कोई सुरक्षित ना शासन में देश और परदेश में अब की 24 में फिर जनता चाहत बाय अखिलेश के अब की 24 में फिर जनता चाहत बाय अखिलेश। मोदी जी ने कहा था विदेश से हम काला धन वापस कराएंगे, सभी किसानों के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, किसी किसान के खाता में रुपया नहीं आया। महंगाई इतनी जोर है और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख के सभी बेकार हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे निशा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता हैं और समाजवादी पार्टी की मजबूती को लेकर पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे बड़े मंचों पर कार्यक्रम अपने देते रहते हैं। हमारे साथ निषाद पार्टी के नेता मौजूद थे और आज वैवाहिक कार्यक्रम में आए हुए थे और अपने संगीत के माध्यम से केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को जवाब देने की बात कही है। खैर जो भी हो, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ अमृतनगर।